नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं असम जेड न्यूज इंडिया। आजकल सोशल मीडिया पर लोग फेमस होने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। शादी जैसे पवित्र बंधन को भी लोगों ने नया ट्रेंड बना दिया है और आजकल शादियों का दौर अजीबोगजीब चल पड़ा है। कोई खुद के साथ शादी कर रहा है, कोई कुत्ते के साथ शादी कर रहा है, तो कोई बकरे के साथ शादी कर रहा है। शादी जैसे पवित्र बंधन को लोगों ने एक ट्रेंड बना दिया है, जो आए दिन सोशल मीडिया पर एक नए ट्रेंड के रूप में वायरल हो जाता है। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है सोशल मीडिया पे, जो काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। और ये वीडियो मेक्सिको के ओशाका शहर का है, जिसमें एक छोटे से गांव के एक मेयर ने एक मगरमच्छ के साथ शादी की है। जी हाँ, सुनने में बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर है, बड़ी अजीबोगजीब खबर है कि एक इंसान ने, एक आदमी ने मगरमच्छ के साथ शादी की है। बकायदा मगरमच्छ को दुल्हन की तरह सजाया भी गया है। तो आपको भी दिखाते हैं ये वीडियो कि किस तरह से मगरमच्छ दुल्हन बन रही है। मेक्सिको के ओशाका शहर के एक छोटे से गांव के मेयर ने मगरमच्छ के साथ शादी कर ली है और शादी के बाद दुल्हन यानी दुल्हन बनी मगरमच्छ को दूल्हे के द्वारा चूमते हुए देखा जा रहा है वीडियो में। इस अजीबोगजीब शादी की तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है, लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। आपको बता दें, सैन पेड्रो हुआमेलूला गांव के मेयर विक्टर ह्यूगो सोसा ने ट्विटर पर 7 साल के मगरमच्छ के साथ विवाह किया है। इस रस्म में मगरमच्छ को एक सफेद रंग की ड्रेस के साथ कुछ रंगीन कपड़े भी पहनाए गए हैं। हालांकि सभी रस्मों के दौरान मगरमच्छ का मुंह जो है वो बांध दिया गया है। इस रिवायती तहत मगरमच्छ को एक छोटी राजकुमारी के रूप में जाना गया है, जो एक देवी मां धरती को दर्शाती है। मगरमच्छ का मेयर के साथ विवाह भगवान के साथ मनुष्यों के लिए मिलाप का प्रतीक माना गया है। आपको बता दें कि ओशाका राज्य के चोटनल और हुआवे भाईचारे की ये रिवायती सैकड़े साल पुरानी है। इस रिवाज में कुदरत का शुक्रिया किया जाता है, प्रकृति का शुक्रिया किया जाता है और भविष्य में उदार रहने के लिए अरदास की जाती है। विक्टर ने यह भी बताया कि हम कुदरत से बारिश की मांग करते हैं, ताकि हम नदियों में मछलियां पाल सकें, जिससे हमें भरपूर भोजन मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, असम जेड न्यूज़ इंडिया।